मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के गांव गरने के ग्रामीण शनिवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंप उन्हें हल्का क्षेत्र के पटवारी का ट्रांसफर रोकने की मांग की। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव गरने क्षेत्र के पटवारी पुष्कर पाटीदार, जिनकी पदस्थापना विगत कुछ समय पूर्व ही उनके हल्के में हुई है और अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने पटवारी का ट्रांसफर अन्यत्र कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वे पटवारी के कार्यों से संतुष्ट है और ट्रांसफर का विरोध करते हैं। सभी ग्रामीण पटवारी का ट्रांसफर रुकवाने और अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय भी पहुंचे, जहां एसडीएम ने ग्रामीणों का ज्ञापन लेने से आनाकानी भी की, जिसके बाद सभी ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के नाम संयुक्त कलेक्टर रंजीत सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। हमारे गाँव में जो पटवारी हैं, किसी कारण से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए हम मल्हारगढ़ भी गए थे। एसडीएम साहब को भी हम ज्ञापन दे के आए उसको रुकवाने के लिए, और हमने अभी कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, और इसीलिए हम उनका ट्रांसफर रुकवाने के लिए सब काश्तकार गांव गरनई से यहाँ आए हैं। मल्हारगढ़ तहसील के रहने वाले हैं हम, और हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे के आए हैं। सर, हम चाहते हैं कि हमारे पटवारी यथावत हमारे हल्के में ही रहे, उनका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि यथावत उनके काम से हम पूरे गांव वाले अच्छे संतुष्ट हैं, वो हमारे गांव में ही रहे। हम एसडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और हम मंदसौर भी आए हैं यहाँ, मतलब कलेक्टर महोदय जी को यहाँ भी ज्ञापन दिया है। हम महोदय जी से चाहते हैं कि उन पटवारी जी का ट्रांसफ़र रोका जाए और यथावत हमारे हल्के में ही रहे वो। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।